खड़ा लगाओ। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है, मानसिक प्रताड़ना देकर के उनको हत्या अपने आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है, इस कारण से आज पूरा का पूरा बिहार का युवा निकल पड़ा है सड़क पर। और तब तक हम लोग बाहर रहेंगे जब तक कि उनको इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक कि उस हर वर्ग को इंसाफ नहीं मिलेगा जो अपने दम पर अपनी ताकत से अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश करता है, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़क पर ही रहेंगे। और जिस हिसाब से सलमान खान ने एक मूवी आया था ड्राइव, जिसको कि जबरदस्ती नेटफ्लिक्स पर लॉन्च कराने का काम किया गया, वो बिग स्क्रीन पर लॉन्च होने वाला था, उसको नेटफ्लिक्स पर लॉन्च कराया गया और कहीं ना कहीं नवंबर में वो सिनेमा आया था। और दिसंबर से आप लोग जान रहे हैं कि दिसंबर से डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत। और कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं कि सलमान खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, ये जितने भी लोग हैं ये सारे लोग जिम्मेदार हैं उनकी आत्महत्या के, और हम लोग एक FIR भी दर्ज करेंगे उन लोगों के खिलाफ। हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब ऐलान कर रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो पूरे बिहार में किसी भी सिनेमाघर में बॉलीवुड का सिनेमा नहीं लगेगा। पूरे बॉलीवुड स्टार का जो यहाँ पर है, आप पोस्टर लगाए हुए हैं, इसको लेकर क्या है? इसको लेकर के हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जितने लोगों का तस्वीर इस पुतला में लगा हुआ है वो सब तो गुनहगार हैं ही, और जिनका नहीं भी लगा हुआ है, और जिनका नहीं भी लगा हुआ है वो लोग भी गुनहगार हैं। और धीरे धीरे करके हम लोग इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो सारे के सारे लोग उजागर होंगे इसमें। जिस तरीके से आलिया भट्ट सुशांत सिंह राजपूत को नहीं पहचानने का बात बोल रही थी कि हम नहीं जानते कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है, कौन जानता है उनको? मेरा नाम अनिकेत झा हुआ। एक गरीब घर के एक छोटे परिवार के लड़का जो बिहार के पूर्णिया शहर से आते हैं, पूर्णिया जिला छोटे जिला से आते हैं, और उनको जिस तरीके से मानसिक प्रताड़ना की गई है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश की बू आती है इसमें। ये आपने कई सारे फिल्म स्टार्स के पुतला लगा रखे हैं, इसके पीछे क्या है? ये आलिया भट्ट ने कुछ दिन पहले कॉफी विद करण में बताया था, तीन लोगों का पूछा गया इनसे कि आप तीन लोग किनको आप जिनसे साथ शादी करना चाहती हैं और किनको गोली मारना चाहती हैं, तो इस तरीके से आलिया भट्ट ने कहा था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानती, मैं गोली मारना चाहते हो। जिस तरीके आप शब्द का अपमान किया गया, बिहारियों का अपमान किया गया, बिहारी अस्मिता का अपमान किया गया, ये बिहार नहीं सहेगा, ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा, बिहार की युवा नहीं सहेगी। तो क्या आप आज पुतला जला रहे हैं इसके विरोध में, और क्या मांग कर रहे हैं? और ये पुतला जला मांग ये कर रहे हैं कि इसकी CBI उच्च स्तरीय CBI जाँच हो। माननीय प्रधानमंत्री से, बिहार सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि वो इसकी अनुशंसा करे, भारत सरकार को अनुशंसा करे कि इसकी CBI जाँच हो, और जो जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये बात सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है, ये बात उन हर गरीब परिवार को, हर मध्यम वर्गीय परिवारों की है जो अपने सपना लेकर मुंबई जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के शिकार होते हैं, नेपोटिज्म के शिकार होते हैं। ये हर जगह है लेकिन बॉलीवुड में खासकर ये ज़्यादा है। हम लोगों की मांग है कि CBI की उच्च स्तरीय जाँच हो। आज प्रमुख एक मध्यम वर्ग गरीब परिवार के बच्चे जिस तरीके सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपनी जगह बनाई, बहुत लोगों को यह नहीं खलन, नेपोटिज्म के कारण, बड़े सितारों के कारण, जिस तरीके से करण जौहर ने, बड़े प्रोडक्शन हाउस सलमान खान ने जिस तरीके से उनको बैकआउट करने का काम किया, जिस तरीके से उनको मासिक प्रताड़ना देने का काम किया, जिस तरीके से अच्छा फिल्म होने के बाद उनको अवार्ड नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश की व्यूह है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है। और हम लोग CBI जांच की इसकी मांग कर रहे हैं। तो क्या फिल्म नहीं चलने देंगे बिहार में? बिल्कुल, फिल्म करण जौहर की फिल्म जब तक हम लोग युवा साथी हैं तब तो हम लोग कोशिश करेंगे ये फिल्म बिहार में ना चले। हम लोग पूरे युवा, पूरे बिहार के युवा इसका बायकॉट कर रहे हैं।